देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है आज, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और एक चीज़ और है, यहाँ पे प्याज ख़त्म हो गया है मार्केट में, किसी दुकान पे नहीं है। 3-4 जगह दुकान पे देखे हैं, कहीं भी प्याज नहीं है। भाई तरकुलहम बात क्या है, आज एकादशी कल है, आज की सब भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है। पिछवा प्रसादी खातिर लड़के मार के लिए बाटे यार, इतना जाम लगा है। तेहू मार के लेवे, हेलो मार के लेवे, पूरा खत्म हो गया है। तोड़ताड़ के बराबर कर दिए हैं। यहाँ पे बन रहा है कोको कोला का फैक्ट्री, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री होगा, और जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। तो हम और हमारे गुलशन भाई बैठ के गोप्रो से फोटो खींच रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अभी मारुति सुजुकी में आए थे, एरिना मारुति सुजुकी गीडा वाले में, कुछ काम था अपना पर्सनल, इंश्योरेंस वगैरह का, तो ये सब लेके आए थे। लेकिन अभी काम पेंडिंग हो गया थोड़ा सा, रुक के एक दिन बाद होगा। तो यही सब बात थी, अभी चल रहे हैं घर। और आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तगड़ा होगा, क्योंकि हमारे सुमित भैया जो हैं, गोलू हमारा गाड़ी पहले ही बता दें कि यहाँ पे हाउ गाड़ी हटो तो इसे निकाल लेते। यहाँ देखिए गाड़ी खड़ी है आगे, उसी सोच रहे हटा के इसे निकालें, पीछे भी गाड़ी खड़ी है तो कैसे निकलेगी, तो निकल जाएगा यहाँ से। पहले गोलू हटा रहा है गाड़ी, लॉक है लेकिन नचाव चक निकाल देगा, काम बन जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाए बस। तो यही सब बात है। और हाँ, बता रहे थे सुमित तभी को कॉल किया था, वो बोल रहा है कि तरकुलहा चला जाए, कुछ बनाया जाए, खाया जाए, बुधवार भी है, सही दिन है। हम कहे चलिए ठीक है, चलते हैं, पहले अभी अपना काम करवा लें, तो अभी चलेंगे। इसीलिए सोचे जल्दी से करवा लें, सब कागज उगज ले कर आए, लेकिन हुआ ही नहीं। अब देखते हैं, पहले गाड़ी वोड़ी निकाल लिया जाए। गाइस फिलहाल आ गए हैं घर, अभी चल रहे हैं घर पे, अभी देख सकते हैं अपने घर आ गए हैं, और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। चल रहे हैं घर पे, पहले एक मिनट रुकेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे 10 मिनट बाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल हम गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे थे, उसमें लेट हो गया, और हम लोग को जाना तरकुलहा 2 बजे से, लेकिन बज गया है 4। अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भाई लोग पीछे बैठ चुके हैं, देख सकते हैं, बताना पड़ रहा है। और अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम भी हमारा परीक्षा ले रहा है, लग रहा है माता जी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन चलेंगे जरूर। और फिलहाल चलते हैं और आपको रास्ते का मजा दिखाते हैं, और अगर देखते हैं अभी क्या बन पाएगा वहाँ पे। हम लोग कुछ हम अपना उड़न तंत्र लोहा लक्कड़ बनाने का सोच रहे थे, पीछे सामान भी है, गोईठी उठी रखा गया है, लेकिन आगे अब क्या होगा वो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है आज, और ये पता नहीं क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ज्यादातर मैनू समझ ना आए, चल जल जाएगा, देख रहे भैया, कम से कम 1 घंटा यही ट्रैफिक में है। सहजनवा से लेके अभी दाना पानी आए हैं, भुगटा चौराहे पहुंचने वाले हैं, और अभी तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक, यही खा ले का छोला ना भैया, पेट्रोल भरा दे। दोस्तों शॉर्टकट मारने के चक्कर में लॉन्ग कट मार लिया हूँ, और ये वाला रोड सीधे जाता है 0 पॉइंट पे, अभी हर से मिलेगा, लेकिन बात ये है कि रुक जाऊंगा। तो अभी फिलहाल बात ये है कि चल रहे हैं, रोड छोड़ दिए 4 लेन, और अभी 0 पॉइंट पे जाके मिल के आपसे मिलते हैं। फिलहाल देख सकते हैं हम लोग नेशनल हाईवे पे आ गए हैं, और पूरा सब कुछ जैम ट्रैफिक सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं, और हमारे शिवम भाई स्नैप बना रहे हैं कब से, पीछे कोने में बैठ के, और हमारे भाई लोग यहाँ पे भी बैठे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो भाई, नमस्कार, हर हर महादेव। अभी तो फिलहाल हम लोग लेड़ा देवी माता जी के यहाँ जा रहे हैं। लेड़ा देवी माता की किया गए, हर हर महादेव नमस्कार। अभी हम लोग तरकुलहा जा रहे हैं, हमारे मित्रगण सब लोग मिल के दर्शन भी करेंगे, और हम और हमारे गुलशन भाई बैठ के गोप्रो से फोटो खींच रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बोला गाइस, यहाँ पे बन रहा है कोको कोला का फैक्ट्री, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री होगा, और जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, तो हम आएंगे उद्घाटन में, बुलाया गया हमको।
हमारे मित्र संजीत भाई यहाँ पे कार्यरत हैं, सिविल इंजीनियर संजीत यादव मजदूर रहने। और यहाँ पे देखिए नया वाला रोड जो बन रहा है ये सीधे चल जाएगा आपका बनारस वाले रूट पे, कनेक्ट करेगा सीधे बनारस, बनारस ये गोला होते हुए जाएगा। और देख सकते हैं कंपनी बहुत ही बड़ा शायद दिख रहा होगा गोपुरों में, शायद ना दिखे लेकिन आप लोग महसूस करिएगा। ना दिखलवा यार, अब्यूज ना करो, अब्यूज ना करो, बिस्मिल्लाह बोलो भाई। हमारे लल्ला भाई जो है वो थोड़ा सा अब्यूज कर रहे हैं, मतलब गाली दे रहे हैं, कहने का तात्पर्य है हम सोच रहे हैं ताली गाली मत दें क्योंकि ये सम्मानजनक प्लेटफॉर्म है जहाँ की हम अपने भावनाओं को अपने सफर को रखते हैं। तो आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अगर कुछ अशब्द हो तो बीप करके बोलिएगा, धन्यवाद। तरकुलहा, हेलो गाइस, अभी देख सकते हैं आप लोग हम लोग तरकुलहा पहुंच गए हैं। वैसे आज तो लगन था, न्योता भी था, थोड़ा सा मतलब एक किलोमीटर और रह गया है, आधा एक किलोमीटर रह गया है, तो हम लोग को न्योता जाना था लेकिन अब क्या करें, न्योता उतना छोड़ देंगे जब यहाँ पे तरकुलहा की बारी आती है, तो हम क्लास छोड़ के आ गए हैं कई बार, तो न्योता क्या चीज है, खत्म का पिटाना यार। देखिए तरकुलहा का मेन गेट भाई यार, इंजन बनाइए अंडा अंडा, बड़ी 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 जाम बा भाई, सब्जी लिया जाओ, आज कैसा नहीं है यार, कहीं इतना भीड़ भाई। और देख सकते हैं भाई लोग तरकुलहा आज बहुत तगड़ा जाम लगा है, पता नहीं क्यों अभी जाम खत्म हुआ जस्ट, तो हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी प्लान था कुछ बनेगा लेकिन हाँ, रात बहुत ज्यादा होने के कारण अच्छा ये सोच रहे हैं हम लोग कहीं बनवा ले या तो फिर कितना तो प्याज और सब नहीं रही ना आज, अच्छा ठीक है 600 रुपया हम का लिए, अच्छा ठीक बा हाँ अच्छा ठीक है, तो यार बता दीजिए ना, बताइए आप भाई तरकुलहा बात क्या है, आज एकादशी कल है, आज कैसा भीड़ है, इतना ज्यादा भीड़ है, मेला लगा है लग रहा है किसी चीज का। और देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग तरकुलहा में आ गए हैं और इतना भीड़ है क्या बताएं भाई, तमाम दुनिया एकदम पागल हो गया, देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है आज, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और एक चीज और है, यहाँ पे प्याज खत्म हो गया है मार्केट में, किसी दुकान पे नहीं है, 3-4 जगह दुकान पे देखे हैं कहीं भी प्याज नहीं है, अभी भी रात के बज गए हैं 6 से ज़्यादा लेकिन अभी भी भीड़ पूरा लगा हुआ है, बहुत सारा भीड़ लगा है यहाँ पे, प्याज का शॉर्टेज हो गया है, देख सकते हैं लल्ला हमारे सामान खरीद रहे हैं बहुत कुछ बनाने के लिए, पिछवा प्रसादी खातिर लड़के मार के लिए बाटे यार, इतना जाम लगा है, तेहू मार के ले वे, हेलो तेहू मार के ले बा हां प्रसादी खाती दर्शन कई के आए हैं। एक चीज और है कि हम लोग बनाने वाले थे अंटसंट लेकिन बना इसलिए क्यों नहीं है क्योंकि रात हो गया बहुत ज्यादा और बहुत सिस्टम गड़बड़ा रहा था, तो हम लोग सोचे हैं बाहर यहाँ पे बनाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा 2-3 लोग हैं पहचान के, तो वहीं चल के डायरेक्ट खा लेंगे, बनवाएंगे तभी भी दिक्कत होगा और बनाएंगे तभी भी कम से कम 2 घंटा लगेगा, तो दिन में किसी दिन और आएंगे तब बनेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आज ऐसे खरीद के खा लेंगे। और देखिए यहाँ पे पार्टी शुरू हो गई भाई बहुत तगड़ा, अब बाद में कहते सीएम भैया अकेला, अभी उसका भी आ रहा है सिस्टम भाई, अभी थोड़ा सा पहले देखे होंगे पूरा खाली था, अब देखिए पूरा खत्म हो गया है, तोड़ताड़ के बराबर कर दिए हैं भाई, तो बाइकॉट बाटे धरती पर से मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।